तो वही लंबे समय के बाद आखिरकार बीजेपी से रेगांव विधानसभा सीट छीनने में कांग्रेस कामयाब हो चुकी है, जहां उपचुनाव में रेगांव से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा राजधानी भोपाल के दौरे पर आई। यहां उन्होंने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए रेगांव विधानसभा में हर संभव विकास के काम करने का भी दावा किया। श्रीमती कल्पना वर्मा इस समय भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं और आइए हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। मैम, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपने रेगांव विधानसभा सीट जो है कांग्रेस बीजेपी से छीनी है आपने, तो हम आपसे सबसे पहले आपका विकास प्लान पूछना चाहेंगे। रेगांव में क्या है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा रेगांव विधानसभा है और वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी विकास नहीं है। तो अपन तो पहले वहाँ पर कार्यालय 3 बनाएंगे ताकि जनता को ज़्यादा परेशानी ना हो आने जाने में, और यथा उचित, क्योंकि 1.5 साल का समय है, जो भी संभव कार्य होंगे वो अपन करेंगे। कि लंबे समय के बाद कहा जाए तो क्षेत्र की जनता ने जो है कांग्रेस पे भरोसा जताया, आपने भी अपने प्लान में बताए हैं, लेकिन किस तरह का? आपने भी कहा कि मध्य प्रदेश में जो है रेगांव सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा क्षेत्र है, तो आपका विकास प्लान किस तरह से, और कम समय बचा है चूँकि अब आम चुनाव में भी, तो किस तरह से आप प्लानिंग लेंगे? आप जो भी संभव कार्य होंगे वो अपन करने का पूरा प्रयास करेंगे, और चूँकि समय बहुत कम है, 1.5 साल का समय है, और मैं वहाँ की बहू बेटी हूँ, तो वहाँ हर संभव जो भी मुझसे हो पड़ेगा वो मैं करूँगी और उनके दुख सुख में खड़े रहने का पूरा प्रयास करूँगी। आप चूँकि वहीं की हैं, रेगांव की हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से विकास कार्य थे जो लंबे समय से लंबित थे और आपको लगेगा कि इन कार्यों को हमको प्रायोरिटी के साथ निपटाना है? वहाँ पर ना ही सड़कें हैं, ना ही विद्यालय है, ना ही स्वास्थ्य है, ना ही शिक्षा, कुछ भी नहीं है। तो अब मान लीजिए बहुत सारे काम हैं जो अभी तो हो नहीं सकते हैं, पर जो रोडों का निर्माण है वो कराया जा सकता है, तो प्रथम मतलब प्राथमिकता के अनुसार वही काम करेंगे अपन। मैम, एक और बात पूछना चाहूँगा, चूँकि रेगांव है बीजेपी का एक गढ़ था, कांग्रेस को एक संगठन को मजबूत करने एक बड़ी चुनौती है आपके सामने, उसको आप किस तरह से निपटेंगे? कांग्रेस हमारा पूरा परिवार है और एकजुटता के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा, आगे भी लड़ेंगे, और हम लोग पूरा परिवार संगठित होकर, और चूंकि रेगांव विधानसभा की जनता हमारे साथ है और जनता ने यह परिणाम निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में दिया है और बहुत अच्छा दिया है, जनता के आभारी हैं, और जनता और कांग्रेस का परिवार एकजुट होकर आगे की तैयारी करेंगे। एक और हमारा आखिरी सवाल है पंचायत चुनाव को लेकर, अब पंचायत चुनाव को लेकर भी एक प्रकार से कहा जाए अगले महीने तक या दिसंबर के अंत तक पंचायत चुनाव भी होने जा रहे हैं, पंचायत चुनाव चूँकि कहा जाए कि एक प्राथमिक स्तर होता है, उसको लेकर क्या प्रक्रिया रहेगी? हम लोग प्रयास करेंगे अधिक से अधिक हमारे बीच के लोग आएं और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और काम भी करेंगे। बहुत बहुत बधाई हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ ये मौजूद थे इस समय कांग्रेस के रेगांव से विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक हैं श्रीमती कल्पना वर्मा जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि रेगांव विधानसभा सीट जो कि मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा सीट है, इसके विकास कार्यों को लेकर ये काफ़ी उन्होंने अपनी एक प्राथमिकता तय कर रखी है जिस पर वो आने वाले समय में काम करेंगे। भोपाल से BD News सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP News TV भोपाल।